तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। अगर ऐसे ही बढ़िया रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो बहुत से ऐसे चोमू लोग हैं जिनको अभी तक सैनपाइस प्रोडक्ट का टेक्सचर पैक नहीं मिला है। वो चोमू आप नहीं हो, क्योंकि आज आपको वो टेक्सचर पैक मिलने वाला है। तो चलो यार, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आज के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि नहीं है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, अभी से डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स चेक मत करो, क्योंकि मैं आपको उसको डाउनलोड करने का तरीका बताने वाला हूँ। उससे पहले सैनपाई की कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बहुत लोग भरे हुए हैं जो सैनपाई स्पाइडर को जानते नहीं और इस वीडियो को देखने आ गए। तो भाई, जब तक उसको जानोगे नहीं तो टेक्सचर पैक क्या खाक लोगे। तो ये चलो यार, टेक्सचर पैक दिखाता हूँ। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी भी सैनपाई जैसे 100 के सब्सक्राइबर्स करवा दो। अगर नहीं करवा सकते तो बस इस वीडियो को एंजॉय करो। एंड या लेट्स बिगिनिंग माय वीडियो। सो या हम लोग टेक्सचर पैक वाले वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं। एंड चलो मैं आपको वो टेक्सचर पैक दिखाता हूँ। सबसे पहले कुछ टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टूल्स नहीं, कुछ ब्लॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे गोल्ड ब्लॉक, डायमंड ब्लॉक, लेपिस ब्लॉक एंड आयरन ब्लॉक। एंड भाई, सबसे अच्छा तो मुझे ये रेडस्टोन वाला लगा, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। सो या आप बढ़ते हैं हमारे टूल्स की तरफ। जैसे कि आप सब, रुको ये वाला बताता हूं। जैसे आप सब लोग देख पा रहे हो कि ये पिकैक्स, शवल, एक्स मैक्स सब लगे हुए हैं। एंड ये मिलेंगे आपको। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे इधर आयरन की एक सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। टेक्सचर बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे हैं मुझको। और ये भाई, इसके टेक्सचर तो बाकी सब से बहुत ज्यादा अलग हैं। एंड चलो अब बढ़ते हैं हमारे कुछ फूड आइटम की तरफ। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऐसे कुछ आपको फूड मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको गोल्डन एप्पल खा के बताता हूँ कि आपको कैसे इतने छोटा सा गोल्डन एप्पल में कैसे आपको टेक्सचर मिलेंगे खाने पे। सॉरी, अभी तो मेरे एनिमेशन ऑफ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। एंड एनिमेशन के साथ तो ये कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। आप लोग देख सकते हो, लेफ्ट में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये सब बहुत ही अच्छे हैं। एंड आप लोग देख सकते हो, इन सभी के टेक्सचर्स और ब्रेड के टेक्सचर कुछ अलग हैं। आप लोग देख सकते हो, थोड़ी कुछ ज्यादा ही राउंड है। एंड ये देखने में भी अच्छी लगती है। बढ़ते हैं हमारे कुछ शॉर्ट की तरफ। जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पे एक नेदरराइट की शॉर्ट है, जो कि मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट शॉर्ट है, क्योंकि इसके अंदर ये ब्लू कलर का जेम लगा है। ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड या क्योंकि मेरा ब्लू कलर फेवरेट कलर है, तो ये भाई मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड आप लोग देख सकते हो कि ये कितनी अच्छी लग रही है। चार चार जेम्स लगे हैं इसके अंदर, जिनकी कीमत आजकल आसमान छू रही है। इसलिए ये शॉर्ट बहुत महंगी है। पता नहीं मैंने इसको कैसे खरीद लिया। कितनी सैड है इसकी जिंदगी। सो चलो मैं आपको कुछ फायर की एनिमेशंस के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं सर्वाइवल में हूँ एंड मैं जल नहीं रहा हूँ। रुको यार, सबसे पहले तो मिल्क पीना पड़ेगा, वरना ये एनिमेशंस नहीं बता पाऊंगा। तो ये जैसे कि आप सभी लोग देख ही पा रहे हो कि मैं आग के अंदर जल रहा हूँ, लेकिन मेरी स्क्रीन पे आग नहीं आ रही है। तो या सैनपाई की ऐसी ही होती है जिंदगी। एंड या बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात, क्योंकि अपन लोग आग में जलते हैं तो अपना निशाना माइक, मतलब ये सेंटा का ये प्लस है, ये सही से एनिमी को नहीं लगता है। तो चलो अब कुछ शॉर्ट के क्रिट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप सब यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं इसको कितने क्रिट मार रहा हूँ, बट इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है। अरे यार, एनिमेशन ऑफ है। तो चलो मैं आपको क्रिट बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इधर रेड कलर के स्टार्स निकल रहे हैं अगर हम लोग इन पे क्रिट मारेंगे तो। एंड या ये बहुत अच्छी बात है, एंड खास करके नेदरराइट के आर्मर में तो कुछ ज्यादा ही निकलते हैं। एंड चलो मैं इसको डाउनलोड करने का प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं मेन डिस्कॉर्ड पे जाना है, जिसकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में है। एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको मोड एंड टेक्सचर पैक का ऑप्शन दिख जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप लोग इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हो। एंड आपको इसको में ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद पोजाब लॉन्चर के रिसोर्स पैक्स में जाके फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एंड या बस आपको इतनी प्रोसेस करनी है। एंड ये मोड आपके में भी चलने लगेगा, मतलब कि टेक्सचर पैक। सो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर देना। एंड मिलते हैं।